धर्म की बात जानिए धार्मिक सफर के साथ। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं और इस दौरान सावन के महीने में उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे अनोखे और शक्तिशाली देवता माने गए हैं। भोलेनाथ के गले में सांपों की माला, नंदी की सवारी, जटाओं से बहती गंगा, सिर पर विराजित चंद्रमा और तीन नेत्र उन्हें सभी देवताओं से अलग दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव की तीन आंखें क्यों है, भोलेनाथ की तीन आंखें क्यों है? देवी देवता हो या आम मनुष्य, सभी के दो आंखें होती हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनकी दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। धर्म शास्त्रों में दाई आंख को सूर्य, बाई आंख को चंद्रमा और मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख को अग्नि स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की दो आंखें भौतिक जगत की सक्रियत पर नजर रखती हैं, जबकि तीसरी आंख का ध्यान पापियों की ओर रहता है। धर्म शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ सकती है। यह आंख इस बात का संकेत देती है कि सारे जगत का न तो आदि है और न ही अंत है। कैसे उत्पन्न हुई भगवान शिव की तीसरी आंख? धार्मिक पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की तीन आंखों का रहस्य छिपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता और ऋषि मुनि मौजूद थे। तभी सभी माता पार्वती आईं और उन्हें भोलेनाथ को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दीं। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान की आंखों पर हाथ रखे तभी पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है और धरती के प्राणियों में हलचल मच गई। संसार में हुई इस हलचल की वजह से भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्हें अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया ताकि धरती के अंधकार को दूर कर सकें। यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर प्रकट हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने जब तीसरी आंख का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर वह तीसरी आंख उत्पन्न नहीं करते तो संसार नष्ट हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत की पालनहार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो कृपया कर हमें कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।